हाय किड्स, हाय सर। आज देखो हमारे पास एक दूसरी क्या है, पजल है। यहाँ 20 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल का एक क्या है, आयत। 20 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल का एक आयत है, कितने बॉक्सेज होंगे इसमें? 20। और हर एक जो स्क्वायर है उसका एरिया कितना है? 4। हर एक का एक वर्ग सेंटीमीटर सबको मिला के कितने हो गए? 20। इस आयत में एक सीधी रेखा कुछ इस तरह खींचिए कि इसमें दो बराबर त्रिभुज बन जाएं, ठीक है? खींच के दिखाओ, हाँ खींच के दिखाओ, हाँ फिट, हाँ स्केल से भी कर सकते हो, वैसे करो, अब अंदाजे से करो, ठीक हो गया? स्केल से खींचोगे तो बिल्कुल सही खींचेगी। अब वो बोल रहे हैं कि हर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना कितना है। दस है, सिंपल है। दस क्या? वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर, आधा इधर और आधा इधर। एक सीधी रेखा खींचकर इस आयत को दो बराबर आयतों में बांटो। बीस में लो, खींचो, दो बराबर आयतों में बांटना है। दो तीन चार पाँच, तीन चार पाँच यहाँ पर कैसे? हाँ ठीक है। अब वो बोल रहे हैं कि इस इधर जो एक आयत इधर बना और एक आयत इधर बना, तो इनका कितना कितना होगा? दस। फिर से कितना होगा? दस वर्ग सेंटीमीटर। दो सीधी रेखाएं खींचकर इस आयत को एक आयत और दो बराबर त्रिभुजों में बांटो, ठीक है? दो सीधी रेखाएं खींचनी है आपने और इस आयत को एक आयत और दो बराबर त्रिभुजों में बांटना है। चलो एक और ऐसे में। अब वो बोल रहे हैं आयत का क्षेत्रफल कितना है? आयत का है 10 सेंटीमीटर। और त्रिभुज का क्षेत्रफल? कितने त्रिभुज बनेंगे? दो। कितना? 5 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक हो गया? यस सर। और अगर हम ऐसे में, जैसे कि हमने एक इसके दो बराबर बराबर हिस्से कर लिए ना, एक लाइन तो हमने इधर खींच ली, ठीक है, और एक लाइन हम अगर सीधे ऐसे में खींच ले, फिर कितने ट्रायंगल्स बन जाएंगे? तो बनेंगे 4। और फिर उसका कितना कितना होगा एरिया? 5। हाँ 4 भी अगर ट्रायंगल्स बन गए तो कितना कितना होगा? 5। 4 5 से कितना होता है? 4 5 20। क्योंकि टोटल तो 20 ही था ना। क्लियर है, समझ आई? यस सर।